हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ देने वाला हूं, तो कृपया इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना। सबसे पहली जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है एमसी स्टैन की तरफ से। तो एमसी स्टैन की जो तड़ीपार एल्बम है उसका नेक्स्ट ट्रैक रिलीज़ हो चुका है, जिसका नाम है आमीन। तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से आकर इसको सुन सकते हो। साथ ही नीचे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये सॉन्ग कैसा लगा। तो अगली जो न्यूज़ है वो आ रही है कृष्णा की तरफ से। तो कृष्णा की जो स्टिल हेयर एल्बम का सॉन्ग है लिविंग लीजेंड, वो यहाँ पर रिलीज़ हो चुका है, जो कि रश्मित कौर के साथ में है। और सॉन्ग मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मतलब कि कृष्णा का जो वर्स है वो मुझे सबसे अच्छा लगा। साथ ही मैं आपको बता दूँ कि ये सॉन्ग जब मैंने प्ले किया हुआ था तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे हेडफोन ख़राब हो गए, पर जब कृष्णा का वर्स आया तब मुझे पता लगा कि हेडफोन सही हैं। बाकी इस सॉन्ग पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। अगली जो न्यूज़ है वो आ रही है एमजी बेला की तरफ से। तो एमजी बेला का भी एक गाना रिलीज़ हुआ है, जिसका नाम है एक दिन, और ये एक ऑडियो ट्रैक है, तो इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगली जो न्यूज़ है वो आ रही है एक्का पाजी की तरफ से। तो जो कूली नंबर वन जो मूवी आ रही है वरुण धवन की, उसका एक गाना रिलीज हुआ है जिसका नाम है मम्मी कसम, जिसमें कि उस सॉन्ग को एक्का पाजी ने गाया और लिखा भी हुआ है। तो अगली जो न्यूज़ है वो आ रही है इकरार की तरफ से। तो इकरार और बैनी का एक गाना आया हुआ है जिसका नाम है बातचीत, जो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ये ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो के साथ में आया हुआ है। साथ ही अगली जो न्यूज़ है वो आ रही है दानव की तरफ से। तो दानव ने अपने नए गाने का पोस्टर रिलीज कर दिया है, और जिसका नाम होने वाला है 1934। अगली जो न्यूज़ है वो आ रही है बाली की तरफ से। तो बाली ने अपने इंस्टाग्राम पे ये फोटो शेयर किया हुआ था, जिसमें कि बादशाह 47 भी बैठे हुए थे, और उस पर लिखा हुआ था कलेज करने जल्द आ रहे हैं हॉट लौंडे। तो यहाँ पर जल्द ही हॉट लौंडे की हमको ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो देखने के लिए मिलने वाली है। साथ ही जो बादशाह है उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे ये फोटो डाला हुआ था, जिसके नीचे उन्होंने लिखा हुआ था बिगेस्ट एवर बैंगर ऑफ अ सॉन्ग ओके। तो इस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगली जो न्यूज़ है वो आ रही है लोका की तरफ से। तो लोका ने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली, जिसमें कि उन्होंने लिखा हुआ था ट्रिप मत कर दिस क्रिसमस यस और नो। तो शायद से हमको ट्रिप मत कर सॉन्ग क्रिसमस पर देखने के लिए मिलने वाला है। साथ ही लोका ने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली हुई थी, जिसमें कि उन्होंने लिखा हुआ था जो गरजते नहीं आई मीन जो अबे चू ठीक से बोलना सीख ले पहले, ऐसे वर्ड प्ले के साथ ये लोग को बीप चाहिए, एक काम कर जा गाना बना मेरे पे और क्या करोगे तुम लोग, वैसे भी तुम लोग का गैंग लड़कों के पीछे ही ज्यादा पड़ा है। अभी इस रैपर का बाल, कभी उस रैपर का स्टाइल, फिर कभी दूर से टूटा और पास गए तो वो भी लड़का, कभी लड़कों के सिवा भी कुछ मिलता है या नहीं तुम लोगों को। और अगली स्टोरी में उन्होंने लिखा हुआ था डोंट गिव अननेसेसरी हेट, डोंट गेट अननेसेसरी हेट। तो आपको पता होगा कुछ दिनों पहले कर्मा ने अपने इंस्टाग्राम पे ये स्टोरी डाली हुई थी, तो इस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगली जो न्यूज है वो आ रही है एमीवे की तरफ से। तो एमीवे ने अपने ट्विटर पे एक ट्वीट का रिप्लाई दिया हुआ था, जिस ट्वीट पर लिखा हुआ था 2021 विल बी एपिक विकाउस, और यहाँ पर इसका जवाब में जो एमीवे हैं उन्होंने ट्वीट किया हुआ था, जिस पे कि उन्होंने लिखा हुआ था बहुत सारे मैच आएंगे, या फिर हो सकता है कि मच आएंगे, या फिर हो सकता है कि जो एमीवे हर साल मचाएंगे लेकर आ रहे हैं, मतलब कि पिछले साल मचाएंगे लेकर आए थे, इस साल फिर से मचाएंगे लेकर आए थे, और हो सकता है 2021 में बहुत सारे मचाएंगे ऐसा कुछ लेकर आए। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट में जरूर बताना। साथ ही एमीवे ने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी शेयर की हुई थी, जिसमें कि उनके सॉन्ग की एडिटिंग चल रही थी। तो यहाँ पर दिसंबर में ही हमको एमीवे एक्स कारामारनी भी देखने के लिए मिलने वाला है। साथ ही अगली जो न्यूज़ है वो आ रही है एमीवे बंटा के होमी, मतलब की मिंटा की तरफ से। तो इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली, जिसमें कि उन्होंने लिखा हुआ था अपने वीडियो के टाइटल के भी ब्रेकडाउन करना चालू करो, और हंसने का इमोजी डाला हुआ था। तो आपको पता होगा कुछ दिनों पहले ही रफ्तार ने अपने सॉन्ग माइक्रोफोन चेक का ब्रेकडाउन किया हुआ था। अगली जो न्यूज़ है वो आ रही है गेंगिस खान की तरफ से। तो गेंगिस खान ने अपने इंस्टाग्राम पे कुछ स्टोरीज डाली हुई थी डिवाइन के लिए। तो एक स्टोरी में उन्होंने लिखा हुआ था इफ यू गूगल फर्स्ट इंडियन आर्टिस्ट ऑन आवर टाइम स्क्वायर बिलबोर्ड 1000 PPL शो अप। साथ ही अगली स्टोरी में गेंगिस खान ने डिवाइन के कोई मतलब भी बहुत पुराना सॉन्ग चला हुआ था, और उस पर उन्होंने वही लिखा हुआ था कि डिवाइन ने कॉपी किया हुआ है स्टाइल वगैरह, आप खुद पढ़ सकते हो। उन्होंने दो स्टोरीज डाली हुई हैं। साथ ही एक स्टोरी में उन्होंने उनका खुद का बहुत पुराना सॉन्ग प्ले किया हुआ था, और उस पर उन्होंने लिखा हुआ था गेंगिस खान द फर्स्ट रैपर टू शूट वीडियोज इन द गलीज ऑफ मुंबई। अगली जो न्यूज है वो आ रही है डिवाइन की तरफ से। तो जसमाना को डिवाइन का जो सॉन्ग है नो कॉम्पिटिशन, उसके ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो ने 50 मिलियन व्यूज हासिल कर लिए हैं यूट्यूब पर। और इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।